من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عثمان غنی ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا بایولوجی کا ایک ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہمارا بایولوجی ہے، بایولوجی ٹاپک ہمارا ہے کلونی۔ ये हमारा टॉपिक है और जैसे कि आपको पता है कि मैं चैनल बना रहा हूँ तो आपको तमाम सब्जेक्ट पर इंशाल्लाह चैनल मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के। तो क्लोनिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लोनिंग इज डन फॉर यूजेनिक एम्स अचीव करने के लिए कॉलोनी की जाती है। तो उसके बाद कॉलोनी इज डिफाइन एज अ सेल एंड अ इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड of springs all the members all the organisms produced by cloning are similar but except when mutation occurs। तो दोस्तों क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग के यूजेनिक एम्स हासिल करने के लिए की जाती है। तो इससे ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस की जाते हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस ऑफ सेल को यानी कि तब्दील किया जाता है। तो इसलिए ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, तो इंसान की कलोन भी की गई थी, उसके खतरनाक नतीजे साबित आए। उसके बाद एक स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने शीप एक भेड़ को कलोन किया था, वो कुछ ऐसे रही, उसका नाम डॉली था और उसके बाद वो मर गई। तो कलोनिंग इंसान की अब तक बैन है तो और चीज़ों की हो रही है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।